दोस्तों अभी हम आ चुके हैं लाम जुमेरा पे, तो मोनो ट्रेन से नीचे अभी जा रहा है इसका, तो आप लोग भी आइए मेरे साथ। तो हम नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये जो नीचे है यहाँ से आप लोग कार लेके पाम जुमेरा पे घूम सकता है। तो हम अभी इस सीढ़ी से नीचे जा रहा है, मेरे साथ में एक दोस्त है मेरा, वो भी आया, अफ्रीकन दोस्त है मेरे साथ में आया। आइए मेरे साथ वीडियो में बनी रही है, आइए आप लोगों को आगे दिखाता हूँ, आगे का नज़ारा आप लोगों को दिखाने के लिए कोशिश करता हूँ। चलिए मेरे साथ। तो हम अभी अभी निकल चुका है यहाँ से, डोर ओपन हो गया। तो ये है मेरा दोस्त, अफ्रीकन दोस्त है। तो अभी मैं बाहर की तरफ जा रहा हूँ, तो ये बाहर का नज़ारा है, देखिए कितना खूबसूरत है। और सामने जो है वो मेन समंदर है, आप लोग देख सकते हैं सामने जो है वो मेन समंदर है। और अभी हम समंदर की तरफ जा रहे हैं, जो अटलांटिस होटल है, अटलांटिस जो होटल है उसी का बाजू में हम खड़ा है। हमारा लेफ्ट साइड में अटलांटिस होटल है, आप लोगों को दिखाने के लिए कोशिश करूँगा, थोड़ा सामने जा लेते। तो ये सब गाड़ी यहाँ पे लगा रहता है, आपको अगर यहाँ से गाड़ी लेके जाके आप लोग अगर पाम जुमेरा को घूमेंगे तो यहाँ से कार आप लोग ले सकता है, रेट बहुत कम मिल जाएगा आप लोगों को। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को दिखाने के लिए कोशिश करूँगा, लेकिन अभी गर्मी का टाइम है, आदमी बहुत कम है। मेरे को आने के लिए बहुत जल्दी हो गया, मैं इतना जल्दी नहीं आना चाहिए था, क्योंकि इतना गर्मी में आदमी नहीं है, कोई भी आदमी नहीं यहाँ पे। तो मैं अभी सामने की तरफ जा रहा हूँ, रोड की तरफ। तो सामने जाके आप लोगों को अटलांटिस होटल दिखाने के लिए कोशिश करूँगा, तो आप लोग चलिए मेरे साथ, वीडियो को देखिए। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर सब्सक्राइब किया तो बहुत ही शुक्रिया दिल से। ये बहुत ही खूबसूरत जगह है, यहाँ पे देखिए वो है सामने अटलांटिस होटल। ये हम बैक साइड से आपको दिखा रहे हैं, लेकिन फ्रंट साइड में जाने के लिए टिकट चाहिए, तो फ्रंट साइड में जाके आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगा अटलांटिस होटल। ये अटलांटिस का एरिया है, जो पाम जुमेरा का जो राउंड एरिया बना हुआ है उसका साइड में जो होटल है अटलांटिस, वही है ये। क्योंकि हम पाम जुमेरा में हैं, हम लोग को लग नहीं रहा है कि ये पाम जुमेरा है, आपको ऊपर से देखना पड़ता है हेलीकॉप्टर लेके, नहीं तो पैराग्लाइडिंग करके आप लोग पाम जुमेरा देखने के तो मिलता, पाम टाइप का देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन नीचे से आप लोग को कुछ भी पता नहीं चलता, जैसा रोड पे चल रहा हूँ नॉर्मल रोड है वैसे ही लग रहा है आप लोग, मुझे भी वैसे ही लग रहा था कि ये नॉर्मल रोड है। यहाँ पे कार वगैरह पार्किंग करके रखा है, तो अंदर की तरफ नहीं जा रहा हूँ, थोड़ा साइड ढूंढ रहा हूँ, मेरे को बहुत गर्मी लगा है। तो होटल के अंदर जाने के लिए कोशिश करूँगा। ये देखिए कितना खूबसूरत जगह बना है, कितना ग्रीन 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 है, मन करे यहाँ पे बैठ जाओ, इसी के अंदर बैठ जाओ मन कर रहा है। तो चलिए आप लोगों के साथ में, मेरे साथ चलिए, वीडियो को देखिए, इंजॉय कीजिए, और इससे बेहतर वीडियो लाने के लिए कोशिश करूँगा। यहाँ पे आप लोग को नॉर्मल टैक्सी भी मिल जाएगा हर स्टेट से आने के लिए, हर जगह से आने के लिए। आप लोग चाहे तो किसी जगह से भी टैक्सी बुक कर आ सकता है, मोनो ट्रेन का 5 से टैक्सी मिल जाएगा। नाइट में अगर टैक्सी मिस हो गया तो आप लोग पैदल भी जाने के जा सकता है, लेकिन यहाँ से बहुत दूर मिल जाएगा। देखिए फूलों का बगीचा में लाइट लगा के रखा है, देखिए कितना खूबसूरत है। शायद 6 बजे का बाद में यहाँ का नज़ारा बहुत खूबसूरत होता, वो भी आप लोगों को दिखाने के लिए कोशिश करूँगा, लेकिन बहुत दूर से आया, अगर वो दिखाने के लिए वेट किया तो मेरे को मोनो ट्रेन मिस हो जाएगा मेरा। इसके लिए मैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यहाँ से निकलना चाहिए मेरे को, तो आप लोग को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ब्लॉग में आप लोग को सब दिखाने के लिए कोशिश करूँगा। आप लोग सब देखते रहिए, वीडियो को एंजॉय कीजिए। तो अभी सामने एक बोट आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा, बोट आप लोग को दिखा रहा हूँ, देखिए कितना खूबसूरत बोट है ये, कितना प्यारा बोट है। देखिए यहाँ पे आदमी घूमने के लिए बस में आदमी आया, यहाँ पे बहुत सारा आदमी आया यहाँ पे, क्योंकि अभी 4 बज गए ऑलरेडी, यहाँ पे आदमी आ रहा है, आना स्टार्ट हो गया, यहाँ पे आदमी अभी आते ही रहता है। तो ये बस में आदमी आया, अंदर की तरफ जा रहा है, होटल से निकल के जा रहे हैं। तो ये मेरा लेफ्ट साइड में जो है ये मोनो ट्रेन है। तो अभी हम रोड पे आ चुका है, वो देखिए सूरज दिख रहा है आपको छोटा, मतलब अंधेरा हो रहा है यहाँ पे, अभी हो गया। वो समंदर है, वो रोड है, ये जो रोड आप लोग दिख रहा है ये पाम जुमेरा का हिस्सा है, जो पाम जुमेरा का साइट में जो बना हुआ है ना राउंड करके बेर की तरह, वही रोड है ये, लास्ट का अटलांटिस का होटल का साथ ही है। तो किसी एंगल में नहीं लग रहा है कि ये समंदर में बना हुआ है, कि राउंड है। वीडियो को देखिए, एंजॉय कीजिए, बहुत खूबसूरत है रोड का साइड में, दोनों साइड में ग्रीन ग्रीन नजर आए। अंधेरा हो गया था, हमको जल्दी जाना चाहिए था, इसके लिए देखिए यहाँ
फैसिलिटी है कार का, आपको दिल खुश हो जाएगा। तो बहुत ही खूबसूरत है कार का फैसिलिटी। यहाँ पे प्राइवेट बस वगैरह यहाँ से जाएगा, क्योंकि अभी छुट्टी का टाइम है, आदमी सब जा रहा है ड्यूटी छोड़ के, नाइट शिफ्ट का आदमी आ रहा है, या फिर पानी वगैरह पानी मिलाता है यहाँ पे पीने के लिए, क्योंकि लग्जरी जगह है ना, तो सिक्योरिटी को थोड़ा आइटम देते हैं खाने के लिए, एक्सपेक्ट करते हैं सिक्योरिटी को। तो मैं जब धूप में घूम रहा था तो मेरे को पानी का शॉप नहीं मिला था, तो वहाँ पे जाके मैं पानी ले लिया। तो अभी चलता हूँ मोनो ट्रेन की तरफ। तो अगली वीडियो में आप देखते रहिए, और इससे खूबसूरत वीडियो लाने के लिए कोशिश करता हूँ हर एक वीडियो में। आप देखते जाइए, वीडियो को एंजॉय कीजिए। अगर वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर नहीं किया तो अपने दोस्तों में बांट दीजिए, अपने भाई को प्यार दीजिए, अपने भाई को अपना सपोर्ट चाहिए। बस इसे समंदर की तरफ नहीं गया, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को जरूर बनाऊंगा समंदर को जाकर, क्योंकि मेरे रात हो गया, अंधेरा हो गया। इसके लिए मैं जल्दी से जल्दी मोनो ट्रेन का बस जा रहा हूँ, क्योंकि मोनो ट्रेन मिस हो गया तो भाई यहाँ से 24 किलोमीटर है जाने के लिए, किलोमीटर का तो छोड़िए, वहाँ से अटलांटिक से बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि समंदर के ऊपर से रोड है, यहाँ से प्राइवेट कार नहीं कर सकता, किसी ने मदद नहीं करता, शायद करेगा क्योंकि वो रिक्स हो जाता है जल्दी, तो उतना रिक्स नहीं लेना चाहता हूँ मैं। इसके लिए मैं जितने जल्दी हो सके उतना जल्दी यहाँ से निकल रहा हूँ। देखिए कितना प्यारी खूबसूरत पेड़ लगा हुआ है, छोटा छोटा रोड का दोनों साइड में लगा हुआ है।